हाय फ्रेंड्स, आई एम श्रद्धा वर्मा एंड वेलकम टू ट्यूटर्स हब। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी मतलब जनरल साइंस। आपका जिस भी एग्जाम में जनरल साइंस आता है उसके लिए ये सेल जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका जो अभी आने वाले एग्जाम्स हैं जैसे NTPC CHSL और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें ये चीज़ आपकी आती है। तो चलिए, जनरल साइंस क्या होता है बच्चों कि NTPC में 20 नंबर की जनरल साइंस आती ही है, जिसमें से 6 to 7 क्वेश्चन फ्रॉम बायो, 6 to 7 फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 6 to 7 फ्रॉम फिजिक्स। तो जो बायोलॉजी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे सेल से। सेल को आप हिंदी में क्या बोलेंगे? कोशिका। तो सेल या कोशिका होती क्या है? देखिए, बहुत सिंपल ही तरीके से हम इस चीज को समझेंगे कि देखिए, जैसे मार्कर देखा आपने, ये किसी ना किसी छोटी से छोटी चीज से बना होगा ना, वो छोटी से छोटी चीज क्या है इसमें? एटम, मतलब परमाणु। ऐसे ही हम लिविंग बींग्स, मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो जीवधारी हैं, वो भी किसी छोटी से छोटी सी इकाई से बने होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? सेल बोलेंगे। ठीक है, जो सबसे छोटी इकाई होगी वो सेल होगी। ठीक है, तो आप इसको छोटी इकाई बोलेंगे, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट बोलेंगे। ठीक है, और एक चीज इसको क्या बोलेंगे आप कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ये। कैसी है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, फंक्शनल यूनिट है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये पूछेंगे, भाई ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या है? तो आप चिंता मत करिए, आपके लिए भी बता देते हैं कि स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचनात्मक। चलिए, क्या है ये? संरचनात्मक। और फंक्शनल का मतलब होगा क्रियात्मक इकाई है। अब क्या हुआ? छोटी यूनिट है। अब सेल जब जुड़ेंगे तो सेल से क्या बनेगा? फिर टिश्यू बनेगा। ठीक है, टिश्यू बनेगा। अब टिश्यू से फिर मिलकर क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। ठीक है, ऑर्गन। अब जब ऑर्गन बनेगा तो फिर क्या बनेगा आपका? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ठीक है, और जब ये ऑर्गन सिस्टम बनेगा उसके बाद बनेगा पूरा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए, ये हुआ हमारा सेल। सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, और फिर बनेगा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए, अब ये हुआ सेल के बारे में चीजें कि सेल एक्चुअली होता क्या है। अच्छा, सेल जब पढ़ा तो सेल की स्टडी भी की जाती होगी, तो सेल की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। इसको हिंदी में भी साइटोलॉजी ही बोलेंगे। ठीक है, तो साइटोलॉजी मतलब सेल की स्टडी को आप बोल देंगे साइटोलॉजी। इस टर्म को, ये जो टर्म है, इसको किसने दिया था, मतलब किसने कॉइन किया था? कॉइन्ड बाय, किसने दिया था? ठीक है, तो इसको दिया था, बच्चों ध्यान से देखिएगा इसको, ये कई एग्जाम्स में पूछ चुके हैं। ठीक है, हर्टविग ने दिया था इसको। किसने दिया था? हर्टविग ने दिया था। ठीक है, चलिए, अब ये सेल हो गया, सेल की स्टडी को बोलेंगे साइटोलॉजी। और एक चीज और कि ये सेल कौन से वर्ड से डिराइव है? ये सेल, या आप इसको बोले सेला, सेला की बात रॉबर्ट हुक ने की है, आके आपको मैं बताऊंगी। ये एक लैटिन वर्ड से आया है। कौन से वर्ड से आया है? एक लैटिन वर्ड से आया। ठीक है, चलिए, तो सेल जब आया तो सेल की किसी ने खोज भी की होगी, तो सेल की खोज किसने की थी? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी खोज। ठीक है, किसने की खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, और इन्होंने कब की थी? 1665 में की थी। ठीक है, कब की थी इन्होंने इसकी खोज? 1665 में की थी। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है, ये मैं रब कर दे रही हूं, आपने नोट कर लिया होगा, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ
साइटोलॉजी। देखिए ये फादर ऑफ साइटोलॉजी थे, और एक अगर आपसे पूछेंगे कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है, ठीक है, कौन फादर, फादर माने जनक या पिता बोल लीजिए आप, जनक या फिर आप बोल लीजिए पिता, ऐसे जनक ही बोलते हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, आप वर्ड ध्यान रखिएगा, मॉडर्न साइटोलॉजी। इसके फादर कौन थे, इसके फादर थे स्वैनसन, ठीक है, याद रखिएगा आप कि अगर आपसे साइटोलॉजी पूछते हैं सिर्फ फादर ऑफ साइटोलॉजी तो आप लिखेंगे रॉबर्ट हुक, और अगर आपसे पूछेंगे फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी तो आप लिखेंगे स्वैनसन। तो चलिए ये तो हुई बात कि सेल की भाई डिस्कवरी किसने की, सेल की खोज किसने की, सेल की खोज की रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जब रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की जिस सेल की, वो कैसा सेल था, वो एक डेड सेल। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा, किसमें देखा, कॉर्क में देखा, ठीक है, कॉर्क में देखा, कॉर्क में। तो कॉर्क में इन्होंने क्या देखा, कॉर्क कैसी थी, एक डेड सेल थी, कैसी थी, डेड सेल थी। देखिए अब आप पूछेंगे कॉर्क क्या होता है, तो आपने कभी वाइन की बोतल देखी है, उस पर जो टोटी आपके ये ढक्कन जो लगा होता है ना, वो होता है कॉर्क। कॉर्क माने आप सिंपली बोलेंगे तो बार्क जो होती है ना उसको बोलते हैं। आप इत्र की बोतलों पे जो ढक्कन देखते हैं या फिर वाइन की बोतलों पे ढक्कन देखते हैं, वो होता है कॉर्क, ठीक है। तो ये कॉर्क कैसा था, डेड सेल था भाई। अब तो ये डेड था, लेकिन सेल तो हम जानते हैं क्या, लिविंग होता है ना। तो अब जो लिविंग सेल था उसकी खोज किसने की थी, मैं इसको रब कर दूं फिर बता। स्टार्ट करो, स्टार्ट है हाँ। तो जो लिविंग सेल है उसकी खोज किसने करी थी, उसकी की थी ए वी ल्यूवेन हुक ने की थी, ठीक है, ए वी ल्यूवेन हुक ने। और किसमें की थी इन्होंने, इन्होंने की थी बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में सबसे पहले इन्होंने लिविंग सेल देखा। बैक्टीरिया माने जीवाणु, ठीक है, जीवाणु में इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखा। और कब देखा, देखिए इन्होंने 1665 में और इन्होंने 1676 में, तो इन्होंने बैक्टीरिया में लिविंग सेल की खोज की। तो चलिए एक चीज और, जब भी आपको तीन चीजें दिख जाएं, ठीक है, एक स्पर्म मतलब शुक्राणु, या फिर आपसे बोले आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पल्सेस भी बोलते हैं, आप इसको हिंदी में बोलेंगे लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, इसकी भी खोज किसने की थी, इन्होंने ही की थी। और एक तीसरा और होगा, एक होगा प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ को आप हिंदी में भी प्रोटोजोआ बोलेंगे। तो इन तीनों चीजों की खोज भी ए वी ल्यूवेन हुक ने की थी। आपसे स्पर्म बोले, आरबीसी बोले या प्रोटोजोआ बोले, इसकी खोज ल्यूवेन हुक ने की थी। तो चलिए ये हुआ हमारा सेल के बारे में, अब हम आते हैं सेल थ्योरी पे। चलिए तो आते हैं अब हम सेल थ्योरी पर। सेल थ्योरी, यह होगा कोशिका थ्योरी को आप बोलेंगे सिद्धांत। तो सेल थ्योरी के बारे में आप 1824 के आसपास, ये फर्स्ट टाइम सेल थ्योरी के बारे में सबसे पहले किसने बात की, फर्स्ट टाइम सबसे पहले 1824 में आरजे, नाम आप ध्यान से देखिएगा, डुट्रोचेट, इन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी की बात की, ठीक है। तो इन्होंने उसमें क्या बताया, इन्होंने ही ये बताया था कि सेल से मिलके क्या बनता है, टिश्यू बनता है, ये बात इन्होंने की थी, ठीक है। सबसे पहले सेल थ्योरी के बारे में बात आर जे डुट्रोचेट ने की थी, इन्होंने ये बताया था कि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, ठीक है, ये 1824 में। अब आप आगे चलेंगे तो 1839 में आपने दो लोगों का नाम सुना होगा, एक थे स्केल्डन एंड स्क्वेन, ठीक है, ये दो लोग थे, एम जे स्केल्डन एंड स्क्वेन, ठीक है।
तो जो ये स्किल्डन थे ये क्या थे, ये एक बोटैनिस्ट थे, क्या थे ये, वो भी कैसे थे, जर्मन बोटैनिस्ट थे, ठीक है, जर्मन बोटैनिस्ट। बोटैनिस्ट को आप हिंदी में बोलेंगे वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड थे, ठीक है, वनस्पति विज्ञान। तो ये जो स्किल्डन थे ये कैसे थे, बोटैनिस्ट। तो ये किससे चीजें बताएंगे, पेड़ पौधों से संबंधित, ठीक है। अब जो ये स्किवेन थे इन्हों, ये कौन से थे, ये जूलॉजिस्ट थे, और कैसे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, मतलब जंतु विज्ञान। तो चलिए, जो स्किल्डन थे इन्होंने प्लांट सेल के बारे में बताया कि प्लांट, सारे ही प्लांट सेल एक जैसे होते हैं, ठीक है, मतलब प्लांट सेल के बारे में मेनली इन्होंने बताया। लेकिन जो स्किवेन थे इन्होंने पहली बार, मतलब आप समझ लिए 1839 में ही इन्होंने बता दिया था कि प्लांट, देखिए दो सेल होते, एक प्लांट में और एक एनिमल, ठीक है, तो एक जो होगी प्लांट सेल और एक होगी एनिमल सेल। तो इन्होंने ये बताया कि जो प्लांट सेल होती है इसमें सेल वॉल होती है। देखिए मैं इतना रफ कर देती हूँ फिर आगे आपको। तो हाँ, जो स्किवेन थे इन्होंने क्या बताया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल इसमें एक अंतर होता है कि जो प्लांट सेल होते हैं इसमें सेल वॉल होती है, लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं इनमें सेल वॉल नहीं होती है। जैसे आप अगर सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपका सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेल है पूरा, ठीक है, तो इसके बाहर जो ये ऐसे ऐसे वॉल होगी जो भी इसके आगे, इसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल। तो ये सेल वॉल प्लांट में तो होती है लेकिन एनिमल्स में नहीं होती है, ये बात किसने बताई थी, स्किवेन में बताई थी। बाकी सब चीज़ें लगभग सेम होती हैं लेकिन बस सेल वॉल जो है वो प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती है, ये बात स्किवेन ने बताई थी, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट और आते हैं, ठीक है, 1855 के आसपास, जिनका नाम था रडोल्फ वर्चो, ठीक है, रडोल्फ वर्चो। इन्होंने एक बात ऐसी करी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इन्होंने ये चीज बताई कि जो सेल है वो कहां से आएगा, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आएगा, मतलब जो सेल है वही उसी से दूसरा सेल आएगा, मतलब सेल से ही सेल आएगा। तो ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, मतलब प्री माने जो पूर्व में एग्जिस्ट कर रहा है सेल, मतलब ये कैसा होगा, पैतृक, मतलब जो प्री एग्जिस्ट होगा वो पैतृक हो जाएगा, पैतृक कोशिका होगी, और इसी से आएगा कौन सा सेल, डॉटर सेल, डॉटर सेल मतलब संतत कोशिका, ठीक है। तो सेल आएगा फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये बात किसने कही थी, इन्होंने इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, इन्होंने बोला है इसको ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब देखिए ओमनिस का तो मतलब होगा प्री एग्जिस्ट, सेलुला का मतलब होगा कोशिका, ई मतलब से, ठीक है, से, फिर सेलुलर का मतलब होगा सेल। तो सेल कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम सेल, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। तो इसकी बात की थी रडोल्फ वर्चो ने, ठीक है। तो चलिए ये हुआ हमारा सेल थ्योरी, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट, चलिए तो चलिए अब हमारी हो गई सेल थ्योरी, अब हम आते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी पर, ठीक है, मॉडर्न सेल थ्योरी। तो देखिए इसमें तीन पॉइंट हैं, आप देखिए क्या क्या है। पहला तो जो हमने पढ़ा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कैसा है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल माने संरचनात्मक, और फंक्शनल माले प्रकार्यात्मक,
देखिए बच्चों, मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप हिंदी को लेके ज़्यादा टेंस मत होइएगा कि मैम ने गलत लिख दिया है ऐसा कुछ, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। दूसरा है कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन सेल और मोर देन वन सेल, वन सेल मतलब हर ऑर्गेनिज्म, हर जीव धारी क्या होगा, या तो एक सेल से बना होगा, एक कोशिका से बना होगा, या एक से ज्यादा कोशिकाओं से बना होगा। तो यहां पे दो चीजें आई, एक सेल माने आप बोलेंगे यूनिसेलुलर, और मोर देन वन सेल के लिए आप बोलेंगे मल्टी सेलुलर। यूनि माने एक कोशिका और मल्टी माने बहुकोशिका, ठीक है, मल्टी माने बहुकोशिका। और एक तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अ सेल अराइजेस, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। तो हर सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आएगा, मतलब डॉटर सेल अपने पेरेंट सेल से आती है, ठीक है। तो ये चीजें तीन इसमें आप स्टार लगा के लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आगे 5-6 और हैं। ये देखिए बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, मैंने जितना एनालिसिस किया है उस हिसाब से, तो आप इनको बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और फिर याद रखिए। तो देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट सेल मतलब सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, ये होता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अगर आप इतना याद रखना चाहें तो माइकोप्लाज्मा ही याद रख लीजिए, आगे भी याद रखना चाहें तो इसका पूरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा जेली सेप्टम, ठीक है। तो देखिए, ये सबसे छोटा सेल तो है, लेकिन ये है क्या, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। और बैक्टीरिया माने क्या होता है, जीवाणु है। देखिए, अब ये इतना छोटा है कि इसका साइज क्या होता है, 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। क्या साइज है इसका, 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर। देखिए, ये बैक्टीरिया तो है, लेकिन इसमें क्या है, सेल वॉल नहीं होती है। बहुत अच्छे से आप इसको याद रख लीजिएगा कि इसमें सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है, सेल वॉल नहीं होगी। और एक चीज़ और, ये ना इसका शेप ना रेगुलर नहीं होता, ये इरेगुलर शेप का होता है, ठीक है। कैसा होता है, ये इरेगुलर शेप होता है, इसका शेप होता है। चलिए, अब हम आते हैं अपने स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया में। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है डायलिस्टर, न्यूमेनेटिक्स, ठीक है। तो देखिए, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया होता है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट सेल है। तो देखिए, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया तो है, लेकिन जैसे इस पे क्या था, सेल वॉल नहीं थी, लेकिन जो ये होता है इसमें क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होगी। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट सेल, मतलब यूनिसेल मतलब सिंगल सेल होगा, लेकिन वो बहुत बड़ा होगा। तो लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, या फिर आप इस प्लांट नहीं बोलना, तो या आप इसको सेल, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर सेल, ठीक है। ये क्या होता है, एसिटाबुलेरिया, आपने नाम तो सुना होगा, एसिटाबुलेरिया। ये क्या होता है बच्चों, एक ये एक एल्गई होता है, ठीक है, कवक होता है, क्या होता है, एक एल्गई होता है, एल्गई होता है, मतलब शुतुरमुर्ग होता है, और सॉरी क्या बोलते हैं, कवक होता है। अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगा, तो लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल होता है स्पाइरलम, ठीक है। ये स्पाइरलम इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी स्प्रिंग टाइप का होता है, ठीक है, स्प्रिंग टाइप
उसका मूवमेंट करके आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये हुआ स्पाइरलम। अगर आपसे पूछे लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, तो देखिए लॉन्गेस्ट प्लांट सेल अगर आपसे पूछे तो ये फाइबर्स होते हैं, ठीक है। क्या? फाइबर्स ऑफ रेमी, RAMII, ठीक है, रेमी। अब अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट सेल ऑफ एनिमल, तो ये किसका होता है? ये ऑस्ट्रिच एग होता है, ऑस्ट्रिच एग, मतलब शुतुरमुर्ग होता है ना, उसका अंडा, ठीक है। तो किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए ये हुआ हमारे सिक्स्थ। अब हम आते हैं आगे। चलिए बच्चों एक चीज यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, पॉइंट टू लिख गया था, ये पॉइंट वन है। अच्छा एक चीज और, मैंने आपको इसके नाम नहीं बताया, और आप उसको भी लिख, कभी कभी ऐसा होता है कि इसको ऐसे भी लिख देते हैं ऑप्शंस में, कभी कभी घुमा के भी दे सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा लिखा हो, या फिर ऐसे लिख दें PPLO करके, या फिर MLO करके, ठीक है। तो अगर ये कुछ भी लिख के आता है कि स्मॉलेस्ट सेल में, तो आप इन तीनों को ही देख लीजिएगा, कोई भी ऑप्शन वहां पे हो सकता है। तो PPLO का मतलब क्या होगा? प्ल्यूरो न्यूमो लाइक, प्ल्यूरो न्यूमो लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब MLO क्या होगा? देखिए LO तो लाइक ऑर्गेनिज्म हो गया, M से मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपसे पूछा है लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो देखिए लार्जेस्ट सेल क्या होता है, आपने तो पढ़ा भी होगा शायद, ये नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ लीजिए। ओवम माने अंडाणु, अंडाणु, हिंदी थोड़ी सी दिक्कत है, आप देख लीजिएगा अंडाणु कैसे लिखते हैं। वहीं पूछे अगर आपसे लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो ये होता है न्यूरॉन, आपकी तंत्रिका तंत्र में होता है ना जो न्यूरॉन ब्रेन में, वो आप। और न्यूरॉन में भी अगर आपसे कभी कभी पूछे तो ये होगा आपका मोटर न्यूरॉन, ठीक है, मोटर न्यूरॉन। अब आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट सेल तो हो गया ओवम, और स्मॉलेस्ट सेल हो गया आपका स्पर्म माने शुक्राणु, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक चीज और बच्चों, अगर आपसे कभी कभी आरबीसीज का साइज भी पूछ सकते हैं, जो आरबीसीज होती हैं आपकी बॉडी में, आरबीसीज, अच्छा ये जो आरबीसीज होती हैं ये लाल रक्त का कोशिका होती हैं, लाल रक्त कोशिका होती हैं, इनका कलर लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से, है ना, और हीमोग्लोबिन मतलब उसमें क्या है? आयरन होगा, ठीक है, लाल रक्त कोशिका। इसका साइज कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पे वो 0.1 से 0.5 है, तो ऐसे यहाँ पे जो ये आरबीसीज होती है इनका 7.5 माइक्रोमीटर होता है साइज, ठीक है। अच्छा स्मॉलेस्ट सेल इन, जो ये लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी और ये एनिमल्स, मतलब ह्यूमन बॉडी और ये एनिमल्स दोनों में, ह्यूमन बॉडी में भी और एनिमल्स में भी न्यूरॉन ही होगा, ठीक है। तो चलिए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा सेल के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में, साइटोलॉजी के बारे में, बहुत कुछ पढ़ा हमने। तो आगे जो नेक्स्ट आएगा हमारा सेशन, उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे, दो लेक्चर में हम ये पूरा सेल आपका ख़त्म कर देंगे, ठीक है, और आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और एक चीज़ और बच्चों, अच्छा लगा हो वीडियो, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको कुछ, आपकी थोड़ी सी भी मदद कर पा रही हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शेयर पे ध्यान दीजिएगा कि शेयर आपको करना है, ठीक है, क्यों करना है? ताकि आप, जो मैं आपके लिए हेल्प प्रोवाइड करा रही हूँ, आप किसी और को वो हेल्प फॉरवर्ड कर सके, ठीक है। चलिए तो फिर आप पढ़ते रहिए, चलिए फिर मैं चलती हूँ, गुड बाय, टेक केयर।